नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप विष्णु और आपके लिए लेकर आया हूं कॉटन की फसल है उस पर तेजी मंदी की रिपोर्ट। हालांकि हम एक शाम को डेली एक पोस्ट डालते हैं जिसमें आपको ये बताते हैं कि आपकी आने वाला जो सुबह रहेगा उसमें तेजी मंदी क्या कुछ हो सकती है। तो मैं हूं संदीप विष्णु और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर फार्मर यूट्यूब चैनल, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। और आज तारीख है 12 जनवरी 2022 और हम बात करने वाले हैं 13 जनवरी 2022 को आपकी जो कॉटन की फसल है उसमें तेजी रह सकती है या मंदी रह सकती है। हालांकि हम पिछले काफ़ी टाइम से आपके साथ है यूट्यूब पे और फेसबुक पे वीडियो डालते हुए आ रहे हैं। फेसबुक पे हम लाइव आते हैं, दिन में भी लाइव आते हैं और शाम को इसी टाइम भी लाइव आते हैं 9 से 10 बजे के बीच में लगभग, और आपको तेजी मंदी भी जो विश्लेषण है उस पर वीडियो बना के आपके साथ साझा करते हैं। और लाइव में हम ग्वार, सरसों, चना, मूंगफली और भारत की जो दूसरी फसलें हैं उस पर तेजी मंदी से संबंधित भी चर्चा करते हैं, और मुख्य जो हमारी फसल रहती है कॉटन। तो जो किसान भाई लाइव जुड़ना चाहे वो अपने एग्रीकल्चर फार्मर फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम बात करें कि 13 जनवरी 2022 को आपकी कॉटन की फसल में तेजी मंदी की क्या कुछ है रिपोर्ट है। तो अभी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसमें इतनी तेजी है कि अगर जो परसों वाली मंदी नहीं होती तो आज लगभग यानी कि 13 जनवरी 2022 को आपकी कॉटन की फसल है वो ऑल ओवर इंडिया में 10,000+ बिकड़ेगी, इस पूरी संभावना थी। क्योंकि जो तेज़ी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो तेज़ी है वो काफ़ी हद से ज़्यादा तेज़ी है, और इस तेज़ी का जो रुख है वो 10,000+ हर मार्केट में देखने को आपको ज़रूर मिलता। लेकिन जो 11 तारीख को जो अपनी मंदी आई है उससे कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग को भय हुआ है कि अगर इस तरह से दोबारा मंदी आ जाती है तो भयंकर नुकसान हो सकता है, क्योंकि अभी जो पीरियड चल रहा है ना वो कोरोना टाइम का पीरियड चल रहा है। तो तेजी मंदी की जो रिपोर्ट रहेगी वो हम एक रात को एक वीडियो और डालने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ रहता है। हालांकि अभी इस टाइम मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये टाइम रहेगा मेरा 9 बजे का अभी, और 9 बजे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अच्छी तेज़ी है और भारतीय बाज़ार में भी तेज़ी है। हालांकि बिनोड़े के ग्रह कम है अभी फिलहाल, क्योंकि बिनोड़े के भाव तेज़ होने के कारण पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार और भारतीय बाज़ार में मंदा आया उसके तुरंत बाद से बिनोड़े के जो ग्राहक हैं वो कम हैं और रुई में अच्छी तेज़ी है। तो मेरे विचार से अगर जो किसान भाई अपनी फसल बेचना चाहें तो कल तेज़ी रहने की पूरी संभावना है। अगर व्यापारी वर्ग इससे नहीं डरा है मंदी से, जो 2 दिन पहले डाउन हुआ था उससे नहीं डरा है, तो सुबह जो आपकी फसल है वो तकरीबन ये मान के चले वही भाव वापस आने वाले हैं जो आपके 2 से 4 दिन पहले थे, और 10,000+ आपकी मंडियां सुबह देखने को मिलेगी। तो सारी फसलों की विश्लेषण के लिए आप हमारे एग्रीकल्चर फार्मर फेसबुक पेज से जुड़िएगा, और आपका क्या राय है वो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तेजी मंदी से संबंधित आपके क्या विचार हैं, क्योंकि बहुत से साथी ऐसे भी हैं जो मेरा ये वीडियो देखेंगे उनको खुद को नॉलेज है कि तेजी मंदी रहने की क्या संभावना है। तो अपने कमेंट में ज़रूर बताएं भाई हमें, और मिलते हम सुबह आपको बोली में। तब तक जय जवान, जय किसान, शुभ रात्रि।